शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में होने वाली पीएम मोदी की युवा विजय संकल्प रैली में बारिश ने खलल डाल दिया। खराब मौसम के कारण पीएम मोदी हिमाचल नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते पीएम मोदी ने वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिमाचल को वर्ल्ड फार्मा हब बनाया जाएगा, इससे दुनिया भर में हिमाचल को पहचान मिलेगी। इसके लिए हिमाचल में ब्लॉक ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने और समझने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसका श्रेय उन्होंने हिंदुस्तान के मतदाताओं को देते हुए कहा है कि बहुत दशक तक हमारे देश में सरकारें आसीन रहीं, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं था। सरकारें कितने दिन चलेगी, चल पाएगी या नहीं, दुनिया भर में इसे लेकर आशंका रहती थी। इस वजह से भारत की किसी बात पर दुनिया विश्वास नहीं करती थी, लेकिन 2014 में जागरूक मतदाताओं ने स्थिर सरकार बनाई, इससे नीतियां और कल्चर में भी स्थिरता आई है। मेरे नौजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के नागरिक, जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। कारण क्या है मैं बताऊं आपको। बहुत दशकों तक हमारे देश में सरकारें अस्थिर रही, किसी को बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकारें थी।